खबर जबलपुर से। जेपी नड्डा पहुंचे जबलपुर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज जबलपुर पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मानस भवन में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए नड्डा ने रानी दुर्गावती को नमन किया और कहा कि मैं कार्यकर्ता के नाते अपील करने आया हूं कि समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों को आशीर्वाद मिले, हमारी पार्टी को मजबूती मिलना आवश्यकता है। ये बात हम सभी मानते हैं। हमें ऐसी मानसिकता में पहुंचा दिया गया था, हमें ऐसे ही चलना होगा। एक साधारण मनुष्य के मन में बैठ गया था कि बदलाव नामुमकिन है, लेकिन मोदी के कार्यकाल में ये मानसिकता बदली। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में परिवारवाद की राजनीति को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति सबको साथ लेकर चलने की, हमारा लक्ष्य सबका साथ सबका विकास। साथ ही लोकसभा चुनाव के पहले खड़े हुए इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार से अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। राहुल गांधी जमानत, सोनिया गांधी जमानत बाकी जेल में, केजरीवाल जेल में है, आधे जेल कुछ बेल में है। राजनीतिक दलों दल परिवार की पार्टी बनकर रह गए, सभी परिवार को बचाने में लगे हुए, सभी भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है। आज कांग्रेस देश में बेरोजगारी की बात करें, क्योंकि कांग्रेस को जनता ने आज सबसे बड़ा बेरोजगार बना दिया है। एक जमाना था यूपीए की सरकार में शिक्षा मंत्रियों में झगड़ा हो गया कि वंदे मातरम गीत होगा कि नहीं होगा, कहां ले गए थे मैं तो शिक्षा को, याद तो होता हूं मैं तो पुराने का झगड़ा हुआ कि वंदे मातरम गीत होगा कि नहीं होगा, किनके बीच में, शिक्षाविदों में, शिक्षकों, शिक्षा मंत्रियों के बीच में। और आज नई शिक्षा नीति सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास लेकर के मोदी जी ने करके दिया और आज नई शिक्षा नीति लागू हो गई जो भारत की जमीन पे जरूरी है। अफोर्डेबल शिक्षा नीति, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने वाली शिक्षा नीति, फ्लेक्सिबल शिक्षा नीति। पहले आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, हम लोगों ने पढ़ाई की होगी, इंग्लिश लिटरेचर वाला मैथमेटिक्स नहीं ले सकता, हम लोगों ने शिक्षा को फ्लेक्सिबल बनाया। क्यों? किसी की बपौती नहीं है, कोई इंग्लिश पढ़ने वाला मैथमेटिक्स भी पढ़ सकता है, कोई मैथमेटिक्स पढ़ने वाला सोशियोलॉजी भी पढ़ सकता है, इसको फ्लेक्सिबल करें। और इसके साथ साथ जिसे हम कहते हैं एनालिटिकल कर्व को, यानी हम लोग याद होगा आप भी बचपन में आप लोग पढ़ते थे रट्टा मारते थे, रट्टा मारते, आज रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, बुद्धि का कितना विवेक इस्तेमाल हो रहा है इससे आगे बढ़ने का है। इस एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से एनालिटिकल कर्व को भी आगे बढ़ने का काम किया, एप्लीकेशन ऑफ माइंड हमारा अच्छा होना चाहिए, इस पर भी हम लोगों ने काम किया। खबर भारतवर्ष के लिए जबलपुर मध्य प्रदेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट।